हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो इंग्लिश की तैयारी करते हो ना, उस इंग्लिश में अगर टेंस नहीं आया, अगर टेंस नहीं आता है तो इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर का मेन पार्ट, जो मेन हिस्सा होना चाहिए, बैकबोन, वो समझो टूटा हुआ है। तो उम्मीद है कि इंग्लिश को जानने के लिए है आज आपके लिए, इंग्लिश को जानने के लिए, इंग्लिश को बताने के लिए वो मैं जो ट्रिक बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देख करके आप बता दोगे कि हाँ इसमें क्या प्रयोग करेंगे, इससे एकदम देख करके बता दोगे, पक्का एकदम कन्फर्म। मैं दावे के साथ करता हूँ कि मेरे जो समझाए हुए एकदम पक्का समझ जाओगे, और कहीं पर प्रॉब्लम अगर होगा वो आप मुझे तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तुरंत पूछ लेना। और देख लो, मैं बताऊँ, ऐसा ऐसा कुछ रूल बताऊँगा आज, ऐसा ऐसा रूल बताऊँगा ना कि जितने मैट्रिक में आते हैं, इंटर में आते हैं, और ज़्यादा पूछा जाता है, और लोग उसमें लग जाते हैं, क्या लगाएं, बड़ी विचार करते हैं कैसा बनेगा, क्या आएगा। मैं बताता हूँ, आज जो भी पढ़ाऊँगा वो पक्का है कि कंपटीशन लेवल का मैं पढ़ाऊँगा। टेंस पढ़ाएंगे हम, वो टेंस ही पढ़ाएंगे, तो लोग जनरली टेंस पढ़ते हैं, मैं जनरल बेसिक जिसको बोलते हैं, बेसिक टेंस भी पिछले वीडियो मैंने पढ़ा दिया है, उस वीडियो को आप थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लो। उस वीडियो को देखने के बाद अगर उसमें कुछ सीख मिलता है तो तुरंत आप क्या करोगे, कंपटीशन लेवल का पकड़ लो, कि देखो वहाँ एग्जाम में देखते ही आप पकड़ के मार दो, कहें इसका ये सही होगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर मार करके आओगे। ये मैं नहीं, आपके सीखने का अंदाज के बाद मैं आपका रिप्लाई आपकी भाषा में बोल रहा हूँ। अगर खैर, फिलहाल ज़्यादा देर ना करते हुए अब चलते हैं टेंस का। टेंस वो कौन टेंस, तो कंपटीशन लेवल का, बिल्कुल कंपटीशन लेवल का, जो आप प्रतियोगिता में बैठते हैं, और बोर्ड लेवल का तो क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाता है। देख लो, मैं बता रहा हूँ, आप सभी बोर्ड लेवल में मैट्रिक देकर गए, तो इंटर वाले स्टूडेंट को पता होगा, ये मैट्रिक के बच्चे जो पढ़े सेंटअप का एग्जाम दे उन्हें भी पता होगा, चेक कर लेना, मिला देना मैक्सिमम, ठीक ना। टेंस के बारे में ये लिख लेना एकदम कंपटीशन लेवल का, ये टेंस जो भी पढ़ाएंगे ट्रिक है, एक ऐसा ट्रिक कि शायद आज तक आप लोग पहले पढ़े हों, चाहे जिस टीचर के पास में पढ़े हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप थोड़ा देख करके, अगर वीडियो अगर पसंद आ गया तो जरूर लाइक करना, बिल्कुल। देख लो बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि टेंस तीन प्रकार का होता है, टेंस तीन प्रकार के हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट और एक फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ऐसा होता है, हाँ आप सभी को पता है, पिछले वीडियो मैंने बताया था। और इन चारों को, इन तीनों को चार चार भेद होते हैं, एक इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार को हम इसको टेंस के चार को भेद हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। इसी प्रकार से आप इसको ही बोलेंगे, इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी यही सब चीज़ सेम, इसमें भी फ्यूचर में भी यही चीज़, इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस, आप सभी को वही चीज़ एकदम सेम, जो मैंने इसमें लिखा तीनों में सेट कर देते हैं। ये सब पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, अगर नहीं देखे तो थोड़ा सा जा करके आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या और किसी प्रकार से देख लो, चेक कर लो, मेरे चैनल से जुड़ गए हो तो वीडियो तो लिंक में मिल ही जाता है, देखवे करेंगे। तो थोड़ा सा लेट ना करते हुए आप देख लो पहले क्या क्या चीज़ आएगा। से बाबू, हम सबसे पहले लेकर करें कंपटीशन लेवल की बात बता रहे हैं, तब कि हम शुरुआती दौर कर रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं हम, यहाँ पे देख लेना, प्रेजेंट इंडिफिनिट आज देख करके बताओगे ना कि क्या सर गजब, अब दिल खुश हो जाएगा बाबू लोग, देख लेना। प्रेजेंट इंडिफिनिट में एक ही चीज़ आता है, या तो आता है V1, देख लो, या तो आता है V1 या तो आता है V5। V1 वही स्पेलिंग होता है ना, भर्ब का पहला रूप, ईट प्ले रन गो, यानी कि खाना पढ़ना लिखना आना जाना मरना तैना जिसका अंत में ना आता हो उसी का आप डायरेक्ट इंग्लिश में कर दो, ठीक है। और V5 देख लो, थोड़ा सा देख लो, V5 एस नहीं लग रहा है, अर्थात जिस भर्ब का अंत में एस या एस यानी कि प्लूरल बनाते हैं, ठीक ना, सिंगुलर बनाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, V5 है। अब देखो थोड़ा सा मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ उसे, और ट्रिक और कॉन्सेप्ट बोले समझ लेना क्या क्या रहेगा उसे, बाबू इतना बढ़िया से अच्छा से बताएंगे, लिख लो ट्रिक नंबर वन का कॉन्सेप्ट, पूरे ट्रिक है, तो पहले कॉन्सेप्ट नंबर वन,
एकदम समझते चलना। देख लो, यदि हेयर और देयर, हेयर और देयर से शुरू हो, कौन चीज से शुरू रहेगा बाबू? हेयर और देयर से शुरू रहेगा, ठीक ना? अच्छा ऐसा रहेगा तो एक बात और जान लो, और ये चीन आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स अगर मिल गया, सुन लेना तुम ध्यान से, ये चीन पर फोकस करना। शुरू किससे होगा? हेयर या देयर से शुरू होगा तो क्या, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन, अंत में अगर ऐसा मार्क्स मिल गया तो बाबू देख करके बता देना कि क्या लगेगा सेट। तो या तो एक में हम V1 लगाएंगे या तो हम V5 लगाएंगे। कैसे करेंगे? वो सब्जेक्ट पर कोऑर्डिनेशन होता है, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। आपको विशेष रूप से देखना तो एग्जाम्पल्स में समझाता हूँ, देख लेना एग्जाम्पल में। बाबू हम देते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में देते हैं हेयर, हेयर बॉयज, यहाँ पे मैंने लिखा हेयर द बॉयज, और ऐसे बाबू ऐसे देख लो चिन्ह है, एक्सक्लेमेशन मार्क चिन्ह है। अब ये चिन्ह है हम कहा बताएं। देख लो मैंने बताया बाबू रे कि हेयर और देयर से शुरू, देख लो हेयर से शुरू हो गया, लास्ट में देख लो एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। आपको ये पकड़ना है, अगर हम एकरा दे देंगे कि ए बताना जरा कम होगा कि कम होगा, ऑप्शन में दो दिया कम होगा कि कम होगा, तो देख करके बताना। यहाँ पे बॉयज है, ढेर मनी बच्चे हैं, प्लूरल है, जब लड़के अगर प्लूरल हैं तो इसमें प्लूरल कौन है? मैंने सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट में आपको सिखाया था, वीडियो में देख लेना कि सिंगुलर और प्लूरल भर्ब पहचाने का तरीका, कि सिंगुलर वही होता है, वही होता है सिंगुलर जिसका अंत में एस होता था, एस फॉर सिंगुलर होता है ना, तो जिसका अंत में एस होता है उसे हम सिंगुलर कहेंगे। आप बताओ इसमें एस है नहीं? अगर ये प्लूरल है तो उम्मीद है कि एक शब्द क्या होगा? प्लूरल, अर्थात ये क्या हो जाएगा बाबू? कम हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? और यही अगर हम देते हैं तो ध्यान देना, हेयर डॉट डॉट द बॉय, और ये चीज मिल जाता। फिर से एक बार तनि ध्यान देना, देख लो तनि ध्यान देना, हेयर डॉट डॉट द बॉय, अरे यार रुक जाओ, ऐसा मिल गया, ठीक है। और यही ऑप्शन हम दे दें बाबू, देखना अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो जरूर बोलना। एकदम इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि इतने सुपर, इतने अच्छे ढंग से आप लोग को बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए लेकर के आया हूँ कि अभी नज़दीक में इंटर का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो एग्ज़ाम में एकदम तरीके से पूछा जाता है, 4-5 अंक का टेंस पूछ लेता है, मैट्रिक में टेंस पूछ लेता है, और बाकी तो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में जितना बैठ जाओ टेंस तो आना ही है। टेंस तो बता दें, टेंस एक पिलर इंग्लिश का, इंग्लिश का टेंस एक पिलर, ग्रामर का। अगर पिलर जानते हो ना, कि पिलर अगर नहीं रहेगा तो मकान ध्वस्त हो जाता है, बस जान लो कि अगर टेंस का नॉलेज नहीं है, टेंस का ज्ञान नहीं है, तो समझो आपकी पकड़ इंग्लिश में नहीं है। वही तो मैं बता रहा हूँ, आप जानते हो ना कि आज़ादी, भारत में आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने पहचान किया था, और जब भारत आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद अंग्रेजी ने, समझ गए? तो ठीक इसी प्रकार से देख लो, अब यहाँ पे बॉय देख लो बाबू, बताओ सिंगल है कि नहीं है? सिंगल है, सिंगल है तो हम क्या करेंगे? सिंगुलर। बॉय है, एगो है, तब हम क्या करेंगे? बॉय है तो हम क्या करेंगे? कम्स, होगा ना। चलो यहाँ पे हम देते एक एग्जांपल देते हैं, देयर चलो यहाँ पे बॉय दे दिया, हम दे दिए गो, गोज। अब देख करके आप लोग बता देना जरा, देख करके बता दो क्या होगा द बॉय, यहाँ देयर डॉट डॉट द बॉयज, अब बताओ गो होगा कि गोज होगा? तो बाबू यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉयज, चलो बॉयज नहीं, गर्ल्स कर देते हैं आपके, गर्ल्स बताओ, यहाँ पे गर्ल्स दिया हुआ है, बताओ कि सिंगुलर है कि प्लूरल? ये तो ढेर मनी है, प्लूरल है, तो एकरा में चुनेंगे कि एकरा में प्लूरल कौन है? तो ट्रिक देख लो, कॉन्सेप्ट देख लो, कि जेकर अंत में एस रहता हो ओकरा में सिंगुलर बोलेंगे, जब एकरे में तो एस नहीं है तो इसका मतलब यही प्लूरल है। क्या आपको समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया कीजिए। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ कि कम से कम आपका, आपके साथ में कोई आपके दोस्त भी सीखे वो बेहतर है, सिर्फ आप मत सीखो, ठीक है? आप भी कामयाब बनो और दूसरों को भी कामयाब बनने का मौका दो, ठीक है? उम्मीद है कि ये बस ट्रिक समझ में आ गया होगा, अगर ये ट्रिक समझ में आ गया तो लाइक ठोक दो, ठीक है? और कितने बच्चे क्या करते हैं, देखते तो हैं कि नहीं सर अच्छे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स से तो बता रहे हैं, लेकिन लाइक ही नहीं करते हैं। आपका लाइक ही तो मुझे सब कुछ मिलता है, कि मुझे एनर्जी देता है कि चलो कम से कम ये बच्चा सीख रहा है, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट ट्रिक, एकदम नोट कर लें, एकदम कॉपी कलम ले करके बैठो, एकदम नोट कर लें तो नोट कर लेना। दूसरा ट्रिक रहेगा बाबू, इफ़ नोट कर लेना, बिल्कुल इफ़
अंटिल, अरे यार अंटिल, टिल, टिल, अनलेस, अनलेस, उसके बाद में और भी देते हैं, इफ, इफ लिख दिए, अनटिल, टिल, अनलेस, ठीक है। अगर ऐसा कुछ रहता है, या एक और रहता है वेन, अगर इस प्रकार के मिल गया, या इन केस, देख लो अगर इस प्रकार से अगर कुछ मिल गया बाबू ना, ये इतना चिंतन ध्यान रहे, इफ, अनटिल, टिल, अनलेस, वेन, इन केस, अगर इतना चीज मिल गया तो सोच लेना बिल्कुल कि बाबू या तो फिर हम इसमें, या तो फिर हम इसमें भी वन का प्रयोग करेंगे, या तो फिर भी फाइव, ऐसी बार कुछ मत लेना, ये दिमाग में लाना मत, बस यही जान लेना कि भर्ब में एस या एस लगा देंगे, या तो फिर भर्ब का पहला रूप लिखेंगे, एक से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर विशेष रूप से देखना तो आ जाओ एग्जाम्पल में, मैं क्या बता रहा, ये शुरू होगा, ये क्या रहेगा, इसको देख कर क्या बता दोगे, ये शुरू होगा, ठीक है। तो देख लो इसको दो तरीके से बनाएंगे, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक ना, कि अनटिल लगा हुआ रहता है, तो देख लो कभी कभी ऐसा होता है कि इफ से शुरू होता है, इफ से शुरू होता है, अगर इफ से शुरू हो गया ना, तनी ध्यान देना, इफ से शुरू होगा तो क्या करना कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट प्लस फ्यूचर इंडिफिनिट, बोलेगा सर अभी तो सिखा रहे थे कि वीओ ने भी फाइव का प्रयोग कर रहा है, फिर यहाँ कैसे लेकर चले आ रहे हैं, खैर होता है बाबू, देख लो कभी कभी ऐसा होता है, ठीक ना, लेकिन देख लो यहाँ पे एग्जांपल से चलते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल मान लीजिए मिल गया इफ आई, ऐसे दे दिए, उसके बाद में देख लो यहाँ पे बात क्या करना से है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन दें, देख लो इसमें भरने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें भरने के लिए हम ऑप्शन दें, चलो इसमें हम सेल या बिल का प्रयोग कर देते हैं, किसी का दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर आई के साथ सेल होता है, ये दिमाग मत लाना, आई के साथ बिल भी होता है, ठीक है। और किसी प्रकार से कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछिएगा ऐसे, लेकिन जान लो लेकिन आई के साथ बिल का ही प्रयोग होता है बाबू। यहाँ पे मैंने लिखा इफ आई, आपको ऑप्शन देते गो या गोज, बस इसी में से चुनना है। अगर हम दे देंगे गोइंग, हम दे देंगे वेंट, बाबू एकदम दिमाग से बाहर कर देना कि हम क्या बोले, एकदम दिमाग से बाहर कर देना है कि सर हमको बता रहे हैं या तो भी वन लगाएंगे या भी फाइव लगाएंगे, बताओ इफ से शुरू है कि नहीं है, इफ मिल गया ना, इफ मिल गया ना, मिल गया तो हम क्या करेंगे कि बताओ यहाँ पर इफ से शुरू है, हम क्या बताए, इफ पाँचों में से कोई भी रहेगा, चारों पाँचों में से छों में से कोई भी रहेगा तो इफ से शुरू हो गया, तो हम क्या बताएं कि या तो फिर भी वन का प्रयोग करेंगे, देख लो या तो भी वन का प्रयोग करेंगे या तो फिर भी फाइव, यानी भर्ब का पहला रूप या तो भर्ब का पाँचवा रूप जिसमें एस या एस हो। बाबू तो वेंट तो भी टू ही तो गया काम से, बताओ गोइंग भी फोर ये भी गया काम से, आपको चयन करना, चुन लो क्या होगा से, चुन लो देख करके बता दो आंसर, बताओ आई के साथ गो होगा कि गोज होगा, गोज किसके साथ होता है, सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, तो बाबू आई गो लिखेगा, गोज भी नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो ये एग्जांपल के साथ साथ में अगला एग्जांपल देख लो, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप घर पे प्रैक्टिस करना, दो तीन चार एग्जांपल बना करके चेक कर लेना, ठीक है। एक देते हैं हम थोड़ा सा बनाने के लिए या चेक करने के लिए देते हैं, जैसे कि हम दे दिए ही डॉट डॉट, ठीक है, हैंड, ही डॉट डॉट, उसके बाद में हैंड, उसके बाद में ही विल नॉट पास। देख लो मैं क्या बताऊं कि बाबू इफ से शुरू है प्रेजेंट इंडिफिनिट या फ्यूचर, इफ से रहेगा तैयो, अगर मान लीजिए इफ ना रहे तब क्या करेगा, देख लो यहाँ पे हम यहाँ पे अनलेस कर देते हैं, अनलेस कर दिया, मैंने अनलेस कर दिया, तो थोड़ा सा फोकस करना यहाँ पे अनलेस से शुरू है कि नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि इफ से ही शुरू हो, ये चारों पांचों में से किसी से भी शुरू हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। हम इफ को मिटा करके अनलेस भी लिख सकते हैं, अनलेस को मिटा करके अनटिल भी लिख सकते हैं, ठीक ना, अनटिल को मिला करके टिल भी लिख सकते हैं, किसी से भी शुरू हो सकता है। तब हम क्या करेंगे इस दौरान, क्या करेंगे देख लो, अनलेस ही हैंड ही विल नॉट पास, हम ये भी बात बोले थे बाबू के प्रेजेंट इंडिफिनिट, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट लिखना है, उसके बाद में क्या करना फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर मतलब कि सेल या विल का प्रयोग करके आपको छोड़ देना है, जो भी कुछ लिखना रहेगा। फिलहाल आप इसको देख करके बताएंगे, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, अनलेस ही हैंड, हम दे दिए वर्क, वर्किंग, वर्क्स, वर्क्स, और उसके बाद में एक ऑप्शन दिए
वर्कड है। देख लो बाबू क्या होगा से, उम्मीद है कि मैंने बोला आपको कि V1 या V5, अर्थात देखना जरा वर्कड V2 है ये गया काम से, वर्क्स हाँ V5 है, चलो एक पर मंथन करेंगे, ये V4 है ING जिसमें लग रहा तो V4 होता भर्व का चौधर, ये भी गया काम से, ये वर्क ये V1 है और ये V5 है। आपको चयन करना कि होगा कौन से है, होगा कौन से। अब देखना बाबू यहाँ पकड़ो क्या होगा, ही तो ही सी इट नेम के साथ, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि ही सी इट नेम के साथ भर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है, ठीक है। तो अब भर्ब में एस या ईएस केकरा में है, वर्क्स अर्थात सिंगुलर प्रोनाउन है, तब हम एकरा में सिंगुलर ना प्रयोग करेंगे। देख लो जरा में एस रहता है भर्ब में वो सिंगुलर कहलाता है, तो वर्क्स हम लिख देंगे। चलो फिर से एक बार बढ़िया से मैं इसे फिर एक समझाता हूँ। देख लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अंटिल राधा डॉट डॉट अ बुक सी वांट्स, लिख देते हैं बी ए पोएट पोएट्रेस। चलो ऐसा कुछ सेंटेंस सेट मैंने किया, देख लो कैसे सेंटेंस के सेट कैसे, अंटिल यहाँ पे अंटिल आ गया, मैं क्या बताऊँ कि इन चारों पांच में से देख लो उसमें से कोई है तो हाँ है, आपको हम ऑप्शन यहाँ भरने के लिए दे रहे हैं, रीड्स रीडिंग नोट। अब जरा विचार करना बाबू, रीडिंग V4 है भर्ब का चौथा रूप, ये तो गया काम से, रीड्स पर विचार करते हैं हम यहाँ पे अंटिल शुरू हो गया तो ये मेरे दिमाग में आ गया होगा आप लोग के दिमाग में भी आ गया कि हाँ अंटिल है तो हम क्या करेंगे, या तो भर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप। अरे यार रीड मैंने तो पढ़ना होता है, रीड मैंने पढ़ना तो V1 होता है, तो या आप यहाँ पे और रीड्स मैंने भी पढ़ना होता है। अब चयन करना है कि इसमें V1 है कौन, इसमें V1 नहीं चुनो, V1 कौन है, इराधा के नाम के साथ में रीड होगा कि रीड्स होगा, ही सीट नेम के साथ भर्ब में एस या ईएस यानी कि एस, तो हम इसी का ना प्रयोग करेंगे, हो गया कि पक्का एक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताना, मुझे कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, और वीडियो अगर समझ में आ रहा है पसंद अगर आ रहा है तो लाइक भी जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अभी देखते रहिए, अभी खत्म नहीं हुआ, आज मैं आपको वैसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि मतलब कि कभी ऐसा देखने के बाद आप बता दो कि हाँ इसका, आप लोगों ने अभी जितना देखा होगा पक्का एक उम्मीद है कि सभी के सब समझ में आ रहे हो। ये भी नोट कर लो एकदम सबसे, ये आखिरी है कंपटीशन लेवल का, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये आखिरी है, नोट कर लेना मैं बता रहा हूँ, ऐसा शायद कभी मिले कहीं मिले। चलो लिख लो, पहले लिखना यहाँ पे लिखने काम करो समटाइम, देख लो यदि सेंटेंस ऐसे लिखना जी, यदि सेंटेंस में या सेंटेंस से शुरू भी हो सकता है, यदि सेंटेंस मान लीजिए समटाइम आ जाए, देख लेना नोट कर लेना बिल्कुल मैं क्या क्या लिख रहा हूँ उसे बाबू, एकरा में आ जाएगा ऑलवेज समटाइम्स यूजुअली उसके बाद में देते हैं नॉर्मली, उसके बाद में जाते हैं जनरली, उसके बाद में देते हैं डेली, उसके बाद में देते हैं एवरीडे, ऑफन, उसके बाद में वंस अ डे, उसके बाद में ट्विस अ डे। देख लो अगर इतना बट आप इतनी फोकस करना हो गया, आप लोग जितना भी इसको देख रहे हैं ऑलवेज समटाइम्स यूजुअली नॉर्मली जनरली डेली एवरीडे ऑफन वंस डे ट्विस्डे, अगर जितना वर्ड देखा आपने, ये जितना वर्ड देखा ना सभी में नोट कर लेना बिल्कुल, सभी में या तो अगर ऐसा सेंटेंस मिल गया कभी भी ग्रामर मिल जाए, मैट्रिक एग्जाम में इंटर एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में कभी भी मिल जाए, तो या तो आप दिमाग में सेट कर लेना कि बबलू सर पढ़ाएं कि V1 होगा या तो V5 होगा, या तो फिर V1 होगा या V5 होगा। आप सबसे पहली बात
आप देखते तो ज़रूर हो लेकिन पता क्या, अपने दोस्तों को भी शेयर नहीं करते। और कुछ बच्चे तो ना नदानियाँ करते कि देखते नहीं, नहीं देखोगे कहाँ जाओगे एग्ज़ाम में, 4 नंबर 5 नंबर आपके इंटर में पूछे जाएंगे, 3-4 नंबर आपके मैट्रिक में पूछे जाएंगे, और कंपटीशन तो बिना टेंस का चलता ही नहीं है। इसलिए तो देख लेना V1 या V5 का प्रयोग होता है। चलो आप देखते हैं, मान लीजिए कैसे होता है, एग्जाम्पल तौर पे चलते हैं। बाबलू तेरे ध्यान देना, एक दो एग्जाम्पल बहुत काफ़ी यार, कितना दूंगा एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ही ऑलवेज डॉट डॉट लेट। आप यहाँ पे देते हैं कम्स नॉट। आप ज़रा विचार करते हैं, अगर मेरा कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तब उम्मीद है कि आप जरूर बताओगे, समझ गए होंगे कि हाँ क्या होगा। सेंटेंस में क्या है बाबू? ऑलवेज। क्या इसमें कहीं पे है ना? है, ऑलवेज है, पक्का है कि ऑलवेज है। तब हम ये सिचुएशन में क्या करेंगे? ऑलवेज है तो हम क्या बोले, या तो V1 होगा या V5 होगा। तो V1 और V5 किसके अनुसार होगा? तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा ना, तो देख लो बाबू, कमिंग तो V4 है, ये तो गया काम से, नॉट भी गया काम से, यहाँ पे कम्स है और कम है, क्योंकि कम्स आपको क्या दिखाई पड़ा? V5। काम आपको क्या दिखाई पड़ा? V1। आपको चयन करना है, चूज करना है कि दोनों में होगा कौन। बाबू यहाँ सब्जेक्ट देखो क्या है? ही। तो ही सी ईट नेम क्या होता है? ही सी ईट नेम। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि V5 का प्रयोग किया जाता है, और I, V, U, They इसके साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले पढ़ा था, ठीक है, ऐसे लिख दिया हूँ जनरली रूप से। तो यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में क्या है? ही। बताओ यहाँ पे काम होगा कि कम्स होगा? V5 देख लो, ही सी हिट नेम के साथ क्या होगा? V5। तो बाबू उम्मीद है कि कम्स होगा। क्या समझ में कोई दिक्कत हो रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा तो लाइक ठोक दो, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और देते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि I डॉट डॉट टी, इसके बाद में डेली दे दिए, ऐसा। अब बताओ यहाँ पे टेकिंग होगा, टेक्स होगा, टेकन होगा, नोट होगा या टेक होगा? 4 को ऑप्शन दिया मैंने बाबू, टेकिंग, टेक्स, टेकन, टेक। अब थोड़ा विचार करना, यहाँ पे क्या आपको दिखाई पड़ा? देख लो क्या लिखा हुआ है, डेली लिखा हुआ ना, तो इसमें कहीं पे है डेली? देखो यहाँ पे डेली है, आ रहा समझ में ना? चलो पकड़ लिए हम, जब डेली आ गया तो हमको क्या लगाना, V1 या V5। बाबू टेकिंग तो V4 है, जगह में ING होता V4 हो गया, ये तो गया काम से। अच्छा टेकन तो यह टेक टू टेकन होता है, ये V3 हो गया, अभी गया काम से। अब बचा टेक्स और टेक, टेक्स V5 है जिसका अंत में ऐसे यस होता है, V5 होता है, टेक V1 होता है। अब बताओ हमको देखना है ई वाला, I, V, U, They, अभी मैंने तुरंत बताया I, V, U, They, इसके साथ क्या प्रयोग होता है बाबू? V1। तो V1 देख लो, एक में V1 कौन है? टेक। तब हम क्या भर देंगे? टेक। बच्चा इसी प्रकार से आपके एग्जाम में कोई भी वर्ड अगर मिलता है तो एकदम निश्चिंत होकर के मार दो, एकदम सही हो जाएगा पक्का, ठीक है। उम्मीद है कि आज का वीडियो अगर समझ में आ रहा होगा तो पक्का समझो कि 4 अंक जरूर आपको मिलेंगे। और देखिए और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। आगे देखो, देखते रहो आज मैं क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसे। और देखो कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे वीडियो देखते हैं स्किप करके, ऐसे करके बढ़ा बढ़ा कर वीडियो देखते हैं, नहीं ये आपकी गलती है। आप वो जरूर देख लोगे, रूल जरूर पकड़ लोगे, लेकिन मेरी आवाज़ तो नहीं सुनाई पड़ेगा ना, मेरी आवाज़ तो चला जाएगा ना। मैं आधा तो बोल करके समझा देता हूँ कि हाँ इसमें क्या होगा बाबू, देख लो। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप देखना पूरी तरह से देखो। अब अगला रूल क्या मैं बताना चाह रहा हूँ उसे, अगर मान लिया जाए सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रथ रहे या प्रोवर्ब्स रहे या परमानेंट ट्रथ मतलब हमेशा के लिए, ठीक है, तब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे बाबू? तुम्हें ध्यान देना, यूनिवर्सल ट्रथ में जब भी अगर कुछ ऐसा आता है, ये दोनों तीनों बात आता है, तो या तो आप V1 लगा दो या V5 लगा दो। चलो एग्जाम्पल तो आपको समझना होगा ना, तो एक मैं देता हूँ, ठीक ना। एग्जाम्पल में हम देते हैं द सन
अब यहाँ पे देते हैं सेट, सेट, सेटिंग, नॉट, कुछ भी। थोड़ा विचार करना बाबू, अगर मान लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सेटिंग भर देता हूँ, बिफोर है, अगर मैं सेटिंग भर देता हूँ तो सूरज पश्चिम में डूब रहा है, क्या आज ही वह डूब रहा है कि सदियों से डूबता आ रहा है, मतलब प्राचीन काल से जब से सूरज बना होगा तब से ना पश्चिम में डूब रहा होगा, ऐसा तो ना है कि 2022 में डूबना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोरोना काल के बाद में डूबना पश्चिम में डूबना शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सेटिंग का कोई मतलब नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, या तो V1 या तो V5, पहले समझ लो, सूरज पश्चिम में डूबता है, सेट मतलब होता है डूबना या छिपना, सेट का मतलब होता है। अब जरा विचार करो, क्या सेट होगा कि सेट्स होगा, तो सन सिंगुलर है, ठीक ना, सिंगल है, सिंगुलर भी है, सिंगल भी है, तो इसके साथ में सिंगल जो रहेगा उसके साथ में सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं, सेट्स, कंप्लीट, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद में एक एग्जांपल देते हैं, डायमंड डॉट डॉट, यहां पे हम देते हैं कट, कट्स, कटिंग, नॉट, कुछ भी। अब विचार करो, डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कटिंग डायमंड, क्या होता है ये जरा विचार करना, लोहे लोहे को काटता है, ये बात तो सही बात है। तो आप देख लो, एक में कट होगा कि कट्स होगा, कटिंग, तो डायमंड है, ये कहावत है, कहावत है, तो डायमंड है, तो यहाँ पे कट्स होगा, क्या हो जाएगा, कट्स होगा, ये भी सिंगल है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में दो एग्जाम्पल बहुत काफ़ी है, आप देख लो, मान लीजिए आपको एक बता रहे हैं, एक नोट करने वाली बात है, आप लोगों ने न्यूज देखा होगा, न्यूज पढ़ा होगा, न्यूज पढ़ा होगा, तो न्यूज का जो हेडलाइन होता है ना, हेडलाइन एकदम सिंपल प्रेजेंट में होता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, यानी कि साफ है कि या तो V1 होगा या V5 होगा, और ये आज नहीं हमेशा के लिए होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना, नोट करते चलिएगा। पांचवा देख लो, पांचवा देख लो, सब आज ऐसा सिखाएंगे, पांचवा, या तो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के हेडलाइन नोट करना, तो ऐसे है कि जो अपनी भाषाओं में समझ जाओ, ये ना कि पूरी कोई कोई होता है किताब में पूरा एकदम लिखा तो बोल जाता है, रटा तो बोल जाता है, ऐसा नहीं यार, जनरली सीखो कि मैं पढ़ाऊँ आपको समझ में आ जाए क्या क्या होता है। तो देख लो, न्यूज़पेपर, अरे यार, न्यूज़पेपर के हेडलाइन एवं कमेंट्री, कमेंट्री जो होता है क्रिकेट वगैरह देखे हैं ना, कमेंट्री जो होता है वो जान जाने कि इन सबों के बीच में या तो V1 होता है या तो V5 का प्रयोग होता है, या तो V1 या तो V5 का प्रयोग होता है। अब मान लीजिए कुछ देते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में देते हैं, द देख लो, एग्जाम्पल में लिख लें, द रिपब्लिक, द रिपब्लिक पार्टी, या द रिपब्लिक पार्टी क्या होता है, द रिपब्लिक पार्टी टैक्स ऑन ऑथ ऑन मंडे, कहने का मतलब हो गया, फिर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे जानबूझ के लिख दिया टैक्स, प्लूरल मैंने जानबूझकर, सिंगुलर भाग जानबूझ के लगा दिया, इसलिए रिपब्लिक पार्टी, ये कोई न्यूज़पेपर में लिखा गया है कि मंडे को वह, मतलब कि रिपब्लिक पार्टी में क्या करेंगे, वो शपथ ग्रहण लेंगे, कसम खाएंगे, शपथ ग्रहण जिसको बोलते हैं, ठीक ना। तो टैक्स ये सब रिपब्लिक पार्टी, पार्टीज नहीं है, डेर मैंने पार्टी की बात नहीं चल रहा है, तो टैक्स यहाँ पे सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर भाग, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर भाग। चलो एक एग्जाम्पल की बात मैं और कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देते हैं धोनी, एम एस धोनी, उसके बाद में करते हैं कैचेज, द बॉल एंड थ्रोज ऑन द स्टंप, देख लेना बाबू, तेने ध्यान दे रहा क्या है सर,
ध्यान देने वाली बात यह है कि MS धोनी, धोनी तो आप जान रहे हैं, मैं धोनी का ही फैन हूँ। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो धोनी ही मेरे सब कुछ थे, ठीक ना। धोनी के साथ बहुत कुछ मैंने सीखा, धोनी के वीडियो देख करके मैंने बहुत कुछ सीखा, कैप्टेंसी करना, विकेट कीपिंग करना, मैं इसी प्रकार का कुछ क्रिकेट मैंने इंजॉयिंग के लिए खेला था। ये इनके बहुत बड़ा ये मेरे आदर्श हैं MS धोनी। आपको मालूम है कि इनके द्वारा क्या चलता है, ICC का हर ट्रॉफी हिंदुस्तान में आया। फिलहाल देखिए MS धोनी कैचेज द बॉल, यहाँ पे कैचेज V5 का प्रयोग हो गया ना, क्योंकि धोनी एक ही व्यक्ति है, तब यहाँ पे सिंगुलर के साथ सिंगुलर, द बॉल एंड थ्रोज, यहाँ पे देख लो फिर V5 का प्रयोग कर ले बोले, क्योंकि धोनी अस्टम्प पे मारता है, ठीक ना। तो इस प्रकार का जो सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर। आई होप, मतलब मेरे साफ है कि मुझे आशा है कि विश्वास है कि आप कहीं ना कहीं ये मेरा ट्रिक से पढ़ाया हुआ आप लोगों ने सीख गए होंगे और आपको एग्जाम में जैसे ही दिखाई पड़ेगा आप उसे सही सही एकदम टिक आउट करके ही आएंगे। तो उम्मीद है कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप जरूर लाइक करिए, ठीक ना, और दोस्तों को भी शेयर करिए। जय हिंद।